चैप्टर 2 पर बात करेंगे, जिसके क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और आगे के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि किस साइड पर सॉल्व करने के लिए ज्यादा है। आप देख रहे हैं RHS में सॉल्व करने के लिए ज्यादा है, तो आप ये वाला साइड लेंगे। इसको करने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप लोगों को इस साइन को टेन के टर्म में, इस कॉस को टेन के टर्म में चेंज करना है, और फिर इसके बाद आप इन दोनों जब ये टेन के टर्म में आ जाएंगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगाकर सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। जो प्रोसेस मैंने बताया उसको चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले RHS ले लिया, RHS लेने पर साइन इनवर्स एक्स यानी कि 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। आपको इसको टेन में कैसे चेंज करना है, सबसे पहले आप ये दो फिगर ड्रा करेंगे जो आप लोगों ने क्लास टेंथ में पढ़े थे। 5/13 लाल बटे कक्का, ये आप लोगों को सूत्र कक्षा 10-11 में ही रट गया होगा। लंब बटे कर्ण यानी कि ये लंब है और कर्ण है 13। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोगों को याद रख लेने हैं, 5, 12, 13 यानी कि यदि कोई दो साइड 13 और 5 है तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। को 13 और 12 दिए हैं तो तीसरी 5 हो जाएगी। जैसे इसमें कॉस इनवर्स है, आधार बटे कर्ण, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो लंब क्या हो जाएगा 4। ये ट्रिपलेट आप लोग कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों को याद हो गई। अब देखिए टेन में चेंज करना है, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, इसके लिए लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12, यानी कि टेन इनवर्स 5/12 प्लस इसको टेन में चेंज करेंगे, टेन इनवर्स लंब बटे आधार, लंब 4 है आधार 3 है, तो टेन इनवर्स 4/3। अब टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगेगा, सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का सूत्र आप लोग याद कर चुके होंगे, टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, नहीं याद किया है तो याद कर लेंगे। तो ये x का मान है, ये y का मान है, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 बटे 1 माइनस 5/12 बटे 4/3। इसको आप लोग अब सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स इनका इनका एलसीएम या मल्टीप्लाई, तो 3 जा 36 और 3 5 जा 15 प्लस 48 और डिवाइड, इसका इसका मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ आ गया, तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 20 अपॉन का 36 टेन इनवर्स 15 और 48 जुड़ेंगे, 8 5 13 यहाँ से 1 4 1 5 1 6 बटे 36 गुणे 36, ये उल्टा हो जाएगा, 36 में से 20 घटाया तो 16 36 36 कट गए, आंसर आ गया टेन इनवर्स 63/16। यही हम लोगों को प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को करने का प्रोसेस क्या है, इसमें 4 टेन के टर्म दिए हुए हैं, इसे पाई बाई 4 प्रूव करना है। तो सबसे पहले इन दो टर्म में और इन दो टर्म में टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगेगा, फिर जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दो टर्म आपके पास फिर आएंगे, फिर उनमें अगेन आपको टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का सूत्र अप्लाई करना है और फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए अप्लाई करते हैं, अभी सूत्र लिखा था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस, अब इसमें फिर से अप्लाई होगा, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। अब देखिए टेन इनवर्स इनका इनका एलसीएम क्या है 35 7 प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड 35 माइनस 1 अपॉन 35
प्लस टेन इनवर्स 24 और 8 प्लस 3, इनका इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 8 का यहाँ पे 3 का यहाँ पर और डिवाइड 24 माइनस 1 अपॉन 24, ये कैसे आया, क्या हुआ 8 3 जा 24 का मल्टीप्लाई यहाँ 24 1 जा 1 अपॉन 24। तो देखिए 10 इनवर्स 7 5 12 बटे 35 गुणे 35 उल्टा हो जाएगा 35 बटे 34 प्लस 10 इनवर्स 24 बटे कितना है, सॉरी 24 नहीं 8 3 11 बटे 24 गुणे 24 बटे 23, 24 से 24 कटा 35 से 35 कट गया 12 और 34 से कटेंगे तो क्या आ जाएगा 6 बटे 17, तो जाएगा 10 इनवर्स 6 बटे 17 प्लस 10 इनवर्स 11 बटे 23। अब इसमें अगेन आपको ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का सूत्र लगाना है, तो देखिए tan इनवर्स क्या हो जाएगा 6 बटे 17 प्लस 11 बटे 23 और पूरे के बटे 1 माइनस 6 बटे 17 गुणे 11 बटे 23। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स 17 गुणे 23 कर लीजिए, 23 गुणे 17 किया तो 17 से 51 हासिल 5, तो 17 दो 34 5 39 391 बटे आ गया 391 और 23 गुणे 6 किया तो 6 3 18 और 6 2 12 1 13, 6 3 18 और 6 2 12 1 13 प्लस 11 का 17 में किया तो 77 और 11 7 18 187, फिर डिवाइड 1 माइनस यानी कि 391 माइनस 66 अपॉन 391, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ये ऐड हो गया तो कितना आएगा 8 7 15 5 8 11 12 2 1 3 325 बटे 391 गुणे 391 बटे ये दोनों घटेंगे तो 11 में 6 गए 5 और 9 में से 8 में से 6 गए 2 और 325, ये कट गया ये कट गया, आंसर आपके पास आ गया tan इनवर्स ब्रैकेट में 1। अब आप बताइए tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो अब तक रटी गई होगी पाई बाई 4 की, तो यहाँ आप लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan से tan एलिमिनेट हो गया जो आपको चाहिए और आंसर आ गया पाई बाई 4। यही इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, इसको करने के और भी तरीके हैं, आप लोग जो इजी से इजी तरीका होता है वो मैं करने का प्रयास करता हूँ, वो आपको समझाने का मेरा पूरा प्रयास रहता है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 cos इनवर्स 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x, x बिलोंग टू 0 से 1। अब देखिए इस क्वेश्चन इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको फार्मूले आना बहुत जरूरी है, यदि फार्मूले नहीं आ रहे तो दिक्कत है। आपने ले लिया tan इनवर्स रूट एक्स, इसे आपको सॉल्व करना है, उससे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए tan 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये फार्मूला होता है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए कुछ इसी टाइप में दिख रहा है, तो आपको ये 2 tan इनवर्स लाना है, आपके पास है tan इनवर्स रूट एक्स, एक्स को चलिए रूट एक्स को एक्स भी ले लेंगे, तो आपको ये लाना है, कैसे लाएंगे आपको 2 यहाँ पर लिया है, आप लिखेंगे कि वैल्यू इस इक्वेशन को सही करने के लिए हमें 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, डिवाइड 1 बाय 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि ये राइट हो जाएगा। अब देखिए
इसमें यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस ये क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 √x² अपॉन 1 √x² आप देखिए 1/2 कॉस इनवर्स 1 √x² एक्स और 1 + x ये रूट कर मत। ये क्वेश्चन छोटा सा था लेकिन दिखने में डरावना था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आप लोगों को समाकलन में भी देखने को मिल जाएगी, तो इसे करने के लिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। आपके पास ये जो चार टर्म है इनमें स्पेशली दो ही टर्म है, 1 + sin x और 1 - sin x, यही प्लस माइनस साइन के साथ दिए हुए, तो आपको क्या करना है इस टर्म में इनको यदि हम मॉडिफाई कर लें इस टर्म को √1 + sin x और 1 - sin x को, तो हमें कुछ आसानी। देखिए साइन एक्स को हम लोगों ने जब अभी पीछे पढ़ा था तो साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 × x/2। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ साइन 2a का फार्मूला हो गया। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, होता है 2 sin x/2 और cos x/2। 2 sin a क्या होता है, sin 2 sin a × cos a, यहां x/2 था तो 2 sin x/2 cos x/2 हो गया। अब इसके बाद ये 1 दिया हुआ है तो क्या 1 की जगह पर हम लोग sin²x/2 + cos²x/2 लिख सकते हैं, नहीं समझे, sin²a + cos²a = क्या होता है 1 होता है। अब देखिए ये एक आइडेंटिटी, ये परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, लिख सकते हैं 1 की जगह लिख सकते हैं क्या cos²x/2 + sin²x/2 और प्लस है तो प्लस 2 cos x/2 / sin x/2, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा cos x/2 + sin x/2 और होल स्क्वायर रूट साल होंगे तो आपके पास आएगा cos x/2 + sin x/2। इसी तरह √1 - sin x में क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा cos x/2 - sin x/2। अब देखिए अब यही वैल्यू यहाँ अप्लाई करेंगे तो cot इनवर्स यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा cos x/2 + sin x/2 + cos x/2 - sin x/2, फिर इसके बाद अपॉन यहाँ क्या आएगा cos x/2 + sin x/2 - cos x/2 + sin x/2, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए cos से cos कटा, यहाँ sin से sin कटा, आपके पास आ गया क्या cot इनवर्स 2 cos x/2 / 2 sin x/2, ये 2 से 2 कट गया, आपके पास आ गया cot इनवर्स cot x/2, cot से cot एलिमिनेट हो गया, आंसर आपका आ गया x/2। इसी क्वेश्चन को आप लोग कंजुगेट का मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए ये यहाँ माइनस है, इसका चिन्ह बदल करके ऊपर गुणा कर